नमस्कार, खास खबरों के साथ मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी अदलन की खास खबर। मध्य प्रदेश के लाहौर विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी का प्रथम आगमन मेहोना मछन क्षेत्र में हुआ, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने और वहां की जनता ने उनका जमकर स्वागत किया। आइए देखते हैं आपकी अदलन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्रशासन का भी विभाग मिल चुका है आदरणीय, आपको आज सामान्य प्रशासन का भी विभाग मिल चुका है, आपकी बधाई आपके दल की ओर से। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप आगे की सरकार से? सरकार तो जनता की सरकार है, जनता ने बनाई है जी, और जनता की सरकार जनता के सहयोग से चलाई जाएगी। हमारे विभाग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कमलनाथ जी पार्टी के जो जिम्मेदारी देंगे जिम्मेदारी में निभाने में कहीं अच्छे राम आदेशों का पालन करूँगा और सरकार चलाने में खड़ा होगा, इसी प्रकार की कमी सबसे बड़ी उपलब्धि ला सकती है। क्या होगा इसके लिए? हमारा काम जन कल्याण की योजना है, घोषणा पत्र में जो हमने वचन दिए उनको पूरा करना है, और उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं छोड़ा है वचन पत्र में जिसके लिए कुछ किया नहीं हो। हर वर्ग के लिए, समाज के हर तबके के लिए, अल्पसंख्यक है धर्म के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सभी के लिए जो वचन दिए धीरे धीरे 5 वर्ष में करेंगे। आखिरी प्रश्न, आपने आज सबसे बड़ा ऐलान किया जनता के बीच में, आप चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसे में लाल क्षेत्र का भविष्य कितना सुरक्षित मानती है? अवश्य आज सूर्य कभी धरती वीरों से खाली नहीं रहेगी,
हमेशा अपना आज भी किया, मैं तो लगातार एक पक्ष से कहना हूँ जब अगला चुनाव होगा चुनाव है जो कह दिया है वो पूरा करूँगा। जो कहने सहकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, उनका आखिरी चुनाव है। लहार क्षेत्र वीरों की धरती है और यहाँ वीर ही पैदा होते हैं और वीर ही लहार क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये आवाज़ थी मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का काफिला गुजरा है चल रहा है।